वायुदेव ने एक शक्तिशाली पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस कृपा हेतु प्रभु आपका धन्यवाद। इसका नाम भीम रखो। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। पांडु के भाई धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो कौरव कहलाए। पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का राज तिलक होना चाहिए था। इस तथ्य ने दुर्योधन तथा उसके अन्य भाइयों में पांडवों के प्रति अधिक घृणा पैदा कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। दुशासन, भीम अत्यधिक शक्तिशाली है, संभव है उसने विष पचा लिया हो। चलो इसे नदी में फेंकते हैं। दुर्योधन व दुशासन ने तत्पश्चात मूर्छित भीम को नदी में फेंक दिया। भीम नदी में डूब गए एवं सर्पों के नागलोक में पहुंच गए जो नदी की तलहटी में था। ओह, कितने आश्चर्य की बात है, पवन देव एवं कुंती पुत्र भीम यहाँ है। एक अलौकिक दृश्य प्रतीत होता है, ये विष के प्रभाव में है। अति कष्टप्रद, विष निकाल के मुझे सहायता करनी होगी। वासुकी ने तत्काल भीम के शरीर से विष खींच लिया। विष निकलते ही भीम की चेतना वापस आ गई। मैं कहां पर हूं और मैं यहां कैसे पहुंच गया? नदी की धारा तुम्हें बहुत दूर से बहाकर मूर्छा की स्थिति में स्थान तक ले आई। तुम्हारे रक्त में विष था जिसे मैंने निकाल दिया। हे आदरणीय देवी, आपने मेरा जीवन बचाया, मैं संपूर्ण जीवन आपका आभारी रहूंगा। भीम, तुम एक देव पुत्र हो, तुम दीर्घायु होगे एवं एक दिवस अपने राज्य पर शासन करोगे। शत्रुओं से अपनी रक्षा करना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भीम अपने साम्राज्य में सुरक्षित लौट आए। जब दुर्योधन ने उन्हें पूर्णतः सुरक्षित देखा तो क्रोध से जल उठा। वर्ष बीतते गए। दुशासन, भीम को मारने के हमारे संपूर्ण प्रयास विफल हो गए, अब हम उसे तथा पांडवों को कैसे मारें? क्यों ना हम उनके महल में आग लगा दें, सभी पांडव उसमें जल जाएंगे। हमें इस कार्य को अत्यंत ही सावधानी से करना होगा ताकि ये सब दुर्घटना लगे। अति उत्तम योजना है, आज रात ही हम इसे कार्यान्वित करते हैं। उस रात्रि दुर्योधन ने अपनी कुत्सित योजना को कार्यान्वित किया। किंतु भाग्य से सभी पांडव बच निकले। दुर्योधन इस योजना के पूर्णतः असफल होने पर शांत नहीं बैठा था, वो दूसरी योजना बनाने लगा। उसने एक लाक्ष का महल बनवाकर उसमें पांडवों को भेजने की योजना बनाई, क्योंकि यदि लाक्ष में अग्नि पकड़ लेगी तो पांडवों को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। उन पांडवों को उनकी माता समेत लाक्षागृह में रहने हेतु भेजना होगा। सुनो पुरोचन, तुम शीघ्र जाकर उस लाक्षागृह में अग्नि लगाने की व्यवस्था करो। इस कार्य को गोपनीय रखना। वन प्रदेश के राजा विदुर को इस योजना का पता चल गया। इस गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाओ। उन्होंने पांडवों को भागने के लिए गुप्त मार्ग बताया। जब पुरोचन लाक्षागृह के भीतर पहुंचा तो भीम ने उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी।
संपूर्ण लाक्षा ग्रह भस्मीभूत हो गया। दुर्योधन का भाई पुरोचन उस अग्नि में मारा गया। दुर्योधन ने कलुषित विचारों के कारण अपना भाई खो दिया। लाक्षा ग्रह को जलता हुआ देखकर हस्तिनापुर के निवासियों में हाहाकार मच गया। वो सोचने लगे कि लाक्षा ग्रह की अग्नि में पांडव भी समर्पित हो गए। संपूर्ण नगर शोक संतप्त हो गया। पांडवों के चाचा धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी थे। अंततः हमारी योजना सफल हो ही गई। पांडव तथा उनकी माता कुंती सुरक्षित लाक्षाग्रह से निकल गए, किंतु शीघ्र ही वो मार्ग भूल गए। अंततः भीम माता कुंती तथा अपने भाइयों को कंधे पर बिठाकर संपूर्ण वन में भटकने लगा। वन गहरी खाइयों, विशाल चट्टानों, घनी झाड़ियों एवं नुकीले कांटों से परिपूर्ण था। मार्ग में उन्हें महान ऋषि व्यास मिले। प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव प्रणाम, हम सभी बाधाओं को पार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, पर अब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएं। बेटी कुंती, मेरा आशीर्वाद है। युधिष्ठिर, ये सब क्या है वत्स? कहाँ जा रहे हो? तुम सभी थके हुए प्रतीत होते हो। गुरुदेव, दुर्योधन ने हम सबको मारने की योजना बनाई, अतः उसने हमें वन में स्थित लाख के महल में रहने भेज दिया। तत्पश्चात उसमें आग लगा दी, किंतु भाग्य से वनों के राजा विदुर इस योजना को पूर्व में ही जान गए एवं भागने में हमारी मदद की। अब हम पुनः हस्तिनापुर लौटकर कदापि नहीं जाना चाहते। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। दुर्योधन अत्यंत ही राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो इन सभी कार्यों के प्रतिफल में अवश्य ही कष्ट पाएगा। तुम सब चिंतित न हो, कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। गुरुदेव कृपया हमें बताएं, हम क्या करें? आप सभी लोग ब्राह्मण का रूप बनाकर वन के समीप स्थित एक छोटे से नगर एक चक्र में रहने के लिए चले जाएं। आपको वहां कोई भी नहीं पहचान पाएगा, जब तक आप लोगों को हस्तिनापुर लौटने का उपयुक्त अवसर नहीं मिलता, तब तक आप वहां कुछ दिवस तक सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद महर्षि, हम आपकी सलाह का अनुसरण करेंगे। महर्षि व्यास वहां से चले गए। पांडव व कुंती ब्राह्मण का वेश धारण कर एक चक्र नगर पहुंचे। माता कुंती गृह में रहती एवं पांडव द्वार द्वार जाकर फल व भिक्षा मांगते। कुंती से हस्तिनापुर के शासक पांडु के पुत्रों का इस तरह भिक्षा मांगना देखा नहीं जा रहा था। वो अपने पुत्रों के दुर्दिन देखकर प्रतिदिन रोती रहती। पांडव उन्हें ये कहकर सांत्वना देते कि एक दिन वे अवश्य हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। माते, आप तनिक भी चिंता ना करें। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए, आप धैर्य रखिए माते, भ्राता सही कह रहे हैं। हम शीघ्र ही हस्तिनापुर लौटेंगे। वे एक ब्राह्मण के गृह में निवास कर रहे थे। भिक्षा में जो भी मिलता सर्वप्रथम उसमें से एक हिस्सा माँ को देते, उसके पश्चात जो बचता उसमें से एक बड़ा भाग भीम को तथा बाकी की भिक्षा में से चारों भाई मिलकर भोजन ग्रहण करते थे। भीम को बड़ा भाग इसलिए दिया जाता था ताकि उसकी विशाल क्षुधा शांत हो सके। एक दिवस जब पांडव बाहर भिक्षा मांगने गए थे, तभी माता कुंती को एक तीव्र रुदन सुनाई पड़ा। कौन है? लक्ष्मी सुनो, तुम नहीं, मैं वहां जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम इस बच्चे की देखभाल करो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारी पत्नी क्यों रो रही है? माता, ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस नगर में प्रथम बार आई हैं, इसलिए आपको राक्षसी बकासुर के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। वो यहाँ नजदीक ही वन में रहती है और कभी भी नगर में आकर जानवरों और मनुष्यों को निर्दयता से मार कर खा जाती है। कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाया। हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अंत में हमने राक्षसी से कहा कि हम उसे प्रति सप्ताह बैलगाड़ी भरकर फल एवं साथ में एक मनुष्य भेजेंगे, परंतु इसके बदले वो नगर में कभी ना आए। अब राक्षसी ने आना तो बंद कर दिया है,
किंतु उसका भोजन प्रतिदिन जाता है। आज का दिन मेरे पुत्र को भेजने का दिन है। मैं उसे नहीं भेज सकता। उसके बदले में मैं स्वयं राक्षसी के समीप जाऊंगा, परंतु मेरी पत्नी मेरे स्थान पर जाना चाहती है। मैं उसे नहीं जाने दे सकता। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। पुरुष हताश हो गया, स्त्री तथा बच्चा रोने लगे। कुंती ये सुनकर स्तब्ध रह गई। ये अत्यंत यातनापूर्ण है। हम उस राक्षसी की चाकरी नहीं करेंगे। चिंता मत करो, अपने घर वापस जाओ। मैं अपने पुत्र भीम को उसके पास भेजूंगी, वो उसे मार देगा। माता, ये क्या कह रही है? हमारी रक्षा के लिए आप अपने पुत्र को क्यों भेजेंगे? माता, आप इतना महान त्याग मत कीजिए। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। राक्षसी से निपटना मेरा पुत्र जानता है। कृपया आप अपने घर जाएं। कुंती ने दोनों को सहर्ष भेज दिया। पांडवों के वापस आने पर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। भीम, तुम्हें एक राक्षसी का वध करना होगा। मैंने गांव वालों को वचन दिया है। माते, ये आपने कैसा वचन दे दिया? केवल भीम ही एक ऐसा है जो आज तक हमारी रक्षा करता आया है। वो हमारा प्रिय भाई है। यदि राक्षसी ने उसका भक्षण कर लिया तो क्या होगा? भीम को कोई नहीं मार सकता। वो मेरा तथा पवन देव का शक्तिशाली पुत्र है। तुम्हें याद नहीं कि पूर्व में वो राक्षसी हिडिम्बा को भी मार चुका है। वो सुरक्षित रहेगा। माते, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं बैलगाड़ी में भोजन लेकर राक्षसी को मारने जाऊंगा। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। मेरे प्रिय पुत्र भीम, सतर्क रहना। राक्षसी बकासुर का वध करके इस नगर के निवासियों को भयमुक्त करो। आज्ञा दे माते। भीम एक बैलगाड़ी में फल भर कर राक्षसी बकासुर के निकट पहुंचा। भोजन देखकर भीम स्वयं को नहीं रोक पाया। वो राक्षसी का संपूर्ण भोजन खाने लगा। बाहर आने पर भीम को अपना भोजन खाते देख बकासुर क्रोधित हो गई। उसने भीम पर अपने पांव से प्रहार किया, किंतु भीम राक्षसी के इस कृत्य से अनभिज्ञ प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते रहे। तब राक्षसी ने भीम की गर्दन पकड़कर मारना चाहा। भीम ने उसे पैर से उछाल दिया तथा राक्षसी दूर जा गिरी। अपना भोजन समाप्त करने के पश्चात भीम ने बकासुर के सीने पर तीव्र प्रहार करके उसकी हड्डियां तोड़ दी। राक्षसी एक तीव्र चीत्कार करके मृत हो गई। भीम वापस चल दिए अपनी माँ को ये बताने के लिए कि उसने बकासुर का वध कर दिया है। माते, मैंने राक्षसी बकासुर का वध कर दिया। मैंने आज अत्यंत स्वादिष्ट भोजन भी किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे विश्वास था तुम सफल होगे पुत्र। तुमने इस ग्राम के निवासियों को नया जीवन दिया है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। भीम को उसके भाइयों ने गले लगाकर उसके साहस की प्रशंसा की। एक चक्र नगर में बकासुर के वध का समाचार फैल गया। नगर वासियों ने कुंती तथा उनके बहादुर पुत्रों का आभार प्रकट किया। एक दिवस भीम एवं उनके भाई जब कुछ समय के लिए नगर में थे, अर्जुन राजा द्रुपद द्वारा आयोजित एक स्वयंवर समारोह में गया। ये स्वयंवर उनकी पुत्री द्रौपदी के लिए वर चुनाव हेतु था। राजा द्रुपद ने स्वयंवर हेतु एक स्पर्धा रखी। स्पर्धा में जीतने वाले को द्रौपदी का हाथ मिलेगा। अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत था। उसने स्पर्धा जीत ली एवं द्रौपदी को पत्नी बनाकर माता कुंती के पास ले आया। पांडव के विवाह का समाचार हस्तिनापुर भी पहुंचा। महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित करके उन्हें खांडवप्रस्थ नामक छोटा सा राज्य देकर शासन करने को कहा। पांडवों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है। पांडवों ने महल का सौंदर्यीकरण कराने का निर्णय लिया। महल प्रवेश के समारोह में दुर्योधन के साथ साथ सभी कौरव उपस्थित थे। महल अत्यंत कलात्मक प्रतीत हो रहा था। एक कमरे का धरातल अच्छी तरह से परिष्कृत होने के कारण प्रकाश से चमक रहा था। दुर्योधन ने सोचा
कि यहाँ जल है। ये सोचकर उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए तथा संभलते संभलते कक्ष को पार किया। दूसरे कक्ष में जल था, किंतु दुर्योधन ने सोचा कि ये धरातल है। वो आगे बढ़ा एवं जल में गिर पड़ा। ये देखकर भीम व द्रौपदी ने अट्टहास किया। आज समझ में आ गया कि अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। दुर्योधन ने इस कटाक्ष से अपमानित होकर एक चाल चली। युधिष्ठिर, मैं तुम्हें द्यूत क्रीड़ा हेतु आमंत्रित करता हूँ, आओ खेलो। वो तब तक खेलता रहा जब तक कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी समेत अपना सब कुछ हार नहीं गए। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी के चीर हरण का आदेश दिया। द्रौपदी सहायता के लिए विलाप कर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी, तुम मेरी दासी हो, तुम्हारा पति तुम्हें हार चुका है, यहाँ आओ तथा मेरी जंघा पर बैठो। दुर्योधन, द्रौपदी से ऐसा कहने की तुम्हारी साहस कैसे हुई? मैं तुम्हारा अभी वध कर दूंगा। सुनो अवज्ञाकारी चाकर, तुम इस समय मेरे सेवक हो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम्हारी जंघा तोड़कर तथा सीना फाड़कर तुम्हारा लहू पी जाऊंगा। यदि मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करूंगा तो मैं क्षत्रिय नहीं, मैं कुंती पुत्र भीम नहीं। जब तक मैं दुर्योधन के लहू से अपने केश नहीं धो लूंगी, इन्हें नहीं बांधूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। चौसर में सब कुछ हारने के कारण पांडवों को राज्य छोड़कर जाना पड़ा। अंततः उन्होंने अपने राज्य को वापस पाने के लिए एक भयानक युद्ध लड़ा जो 10 दिनों तक चला एवं महाभारत का युद्ध कहलाया। युद्ध में कौरव तथा उनके सभी सहयोगी मारे गए, मात्र दुर्योधन ही शेष रह गया। दुर्योधन स्वयं के प्राण बचाने हेतु भागकर एक झील के भीतर छिप गया। भीम, श्री कृष्ण तथा बलराम झील तक पहुंचे तथा उन्होंने दुर्योधन को बाहर आने के लिए ललकारा। दुर्योधन, छिपो नहीं, अब शीघ्र ही जल में से बाहर निकल आओ। एक कायर की भांति झील में छिपना न्याय संगत नहीं है। दुर्योधन बाहर निकल आया। कृष्ण, मैं अर्जुन अथवा युधिष्ठिर जैसे कायरों का सामना नहीं करना चाहता, ये मेरे समतुल्य नहीं है, भीम को लड़ने भेजो। दुर्योधन, मैं तो कब से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, चलो अपनी गदा उठाओ और मुझसे युद्ध करो। दुर्योधन भीम के समान ही अनुभवी एवं शक्तिशाली था। दोनों ने ही मल्ल युद्ध का गुरु मंत्र श्री कृष्ण के भाई बलराम से लिया था। युद्ध आरंभ हुआ। बलराम अपने दो शिष्यों के मध्य युद्ध के प्रत्यक्ष गवाह थे। अनवरत युद्ध चलता रहा, ऐसा प्रतीत होने लगा ये कभी समाप्त न होगा। अकस्मात श्री कृष्ण ने जांग की ओर संकेत करते हुए भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीम ने गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन पीड़ा से चित्कार उठा, उसकी जंघा से रक्त बहने लगा। दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीम ने अत्यंत घृणित कार्य किया है। प्रतिद्वंदी के कमर के नीचे प्रहार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। युद्ध के नियम मनुष्य ने बनाए हैं, अतः उन्हें बदला या तोड़ा जा सकता है, परंतु विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। दुर्योधन को उसके दुष्कर्मों के कारण शाप मिला था, अतः शाप के फल स्वरूप उसे इस कष्ट को भोगना ही था। भीम ने उसका सीना चीर दिया। द्रौपदी ने उसके रक्त को लेकर अपने केशों पर लगाया तथा अपने केश बांध लिए। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए लोभी एवं कुविचारी दुर्योधन का वध किया, कौरवों को समाप्त किया। पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आए एवं सुचारू रूप से शासन करने लगे।
भीम संपूर्ण महाभारत में सर्वाधिक बलवान एवं साहसी योद्धा था। वो सदैव अपने पराक्रम, आत्मशक्ति तथा साहस के लिए स्मरणीय रहेगा।